हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट एसे को। ये एसे होगा पीएम किसान स्कीम का। ठीक है, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। इसको जरूर आप तैयार करिए एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल और एमटीएस और अदर एग्जाम्स के लिए। ठीक है, इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। सारे जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और इसके लेटेस्ट की प्लेलिस्ट को भी आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इस बुक को ले सकते हो जिसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे जिनको आप तैयार कर सकते हो, जिसमें आपको सारे के सारे ट्रेडिशनल टॉपिक और जितने रीसेंट टॉपिक्स हैं वो सब मिल जाएंगे कवर करने के लिए। राइट, विद इन वर्ल्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे और एसे और लेटर दोनों ही सिंगल बुक में आप प्रिपेयर कर सकते हो, एक ही बुक से प्रिपेयर कर सकते हो। लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी, 30% एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप इसको डिस्काउंटेड रेट पर ले सकते हो। राइट फ्रेंड्स, और एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर एमटीएस के हिसाब से, अपने एग्जाम के हिसाब से आप इन बुक को ले लेना। राइट, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, लेट्स स्टार्ट। शुरुआत फ्रेंड्स करेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन से। तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, इस टॉपिक को कैसे आपको बेहतर तरीके से लिखना है ये देख लेते हैं। फार्मर्स आर द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी बट देयर लाइफ इज गेटिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट डे बाई डे। ठीक है, आप यहाँ पर शुरुआत कर सकते हो भैया बताते हुए कि फार्मर्स जो हैं एक तरह से बैकबोन है हमारी कंट्री की, हमारी इकोनॉमी की, फिर भी जो फार्मर्स हैं उनकी लाइफ जो है डिफिकल्ट होती जा रही है दिन प्रतिदिन। कंसिडरिंग द डिस्टोरेटिंग कंडीशन ऑफ द फार्मर्स द गवर्नमेंट हैज लॉन्च प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, जिसको हम लोग बोलते हैं पीएम किसान। ठीक है, यानी कि किसानों की कंडीशन जो बिगड़ती जा रही है इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। ठीक है, जिसको शॉर्ट में पीएम किसान स्कीम भी बोला जाता है। राइट, द पीएम किसान इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम विद 100% फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी आप ये भी बता सकते हो पीएम किसान जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें 100% फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। राइट, दिस स्कीम इज मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1 दिसंबर 2018। इस स्कीम को पहली बार जो है, इसको दो चरणों में बेसिकली शुरुआत की गई थी। इसकी पहली शुरुआत जो है इसकी की गई थी 1 दिसंबर 2018 को। राइट, तो यहाँ पर आप बता सकते हो शुरुआती दौर पर 1 दिसंबर 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। राइट, इट हैज़ प्रोवाइडेड एन एश्योर्ड इनकम सपोर्ट टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ठीक है, यानी कि इसकी वजह से, इस स्कीम की वजह से जितने भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको एश्योर्ड इनकम सपोर्ट मिल पाया है, उनको रेगुलरली इनकम सपोर्ट मिल रहा है। राइट, तो यहाँ पर आप बता सकते हो इस स्कीम की वजह से काफ़ी ज़्यादा फार्मर्स को फायदा हो रहा है, उनको उनका जो नुकसान है उसकी भी भरपाई हो रही है, एक तरह से उनको जो है इसके थ्रू मदद मिल रही है। राइट गाइस, तो इस तरह से यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो, लिख सकते हो इस टॉपिक के बारे में। राइट, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग बॉडी सेक्शन में। इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। अंडर द स्कीम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांसफर एन अमाउंट ऑफ ₹6,000 पर ईयर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 2,000 ईच टू ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ देयर लैंड होल्डिंग। राइट, यहाँ पर आप बता सकते हो इस स्कीम के अंतर्गत जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो है ट्रांसफर करती है ₹6,000 का अमाउंट 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में जो कि 2,000 ईच की है। राइट, टू ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड लैंड होल्डिंग। ठीक है, यानी सभी लैंड होल्डिंग फार्मर्स को जिनके पास लैंड है, चाहे कितनी भी लैंड हो उन पर साइज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही लैंड होल्डिंग से उस पर कोई फर्क पड़ेगा। मतलब जितनी भी उनके पास लैंड होल्डिंग हो, जितना भी उनके पास खेती हो, जितनी भी लैंड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको इस स्कीम के अंतर्गत जो अमाउंट है वो मिलेगा। राइट, द फंड इज डायरेक्टली ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट्स ऑफ द बेनिफिशरीज। आप ये भी बता सकते हो इसके अंतर्गत जो फंड है वो डायरेक्टली ट्रांसफर होता है बैंक अकाउंट्स में के जो भी बेनिफिशरीज हैं उन सभी के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर होता है।
द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेनिफिशियरी फार्मर्स फैमिलीज रेस्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आइडेंटिफिकेशन की कि कौन बेनिफिशियरी है इस स्कीम के अंतर्गत, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट्स की है जिस स्टेट में बेसिकली इस स्कीम को चलाया जा रहा है. राइट, तो बेसिकली यहाँ पर आप बता सकते हो आइडेंटिफिकेशन जो फैमिली फार्मर फैमिलीज आइडेंटिफिकेशन है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है, जबकि जो अमाउंट है वो फंडिंग जो हो रही है वो पूरी तरह से सेंट्रल की हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरी तरह से फंड कर रही है. राइट, तो यहाँ पर आप फ्रेंड्स इसको बता सकते हो, लिख सकते हो करेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग. आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम लोग बढ़ते हैं बॉडी सेक्शन में ही. इट इज प्रोवाइडिंग assured supplemental income to the farmers on regular basis. ठीक है, यानी कि इस स्कीम के द्वारा regular basis पर supplemental income जो है farmers को provide की जा रही है. This income can also be used for procuring inputs such as seeds, fertilizers, equipments, labor and other emergent needs. ठीक है, ये जो income है उसको multiple way में use किया जा सकता है. जो इनपुट्स हैं प्रोक्योरिंग इनपुट्स यानी कि खेती के लिए बीज वगैरह खरीदने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है, फर्टिलाइजर्स इक्विपमेंट लेबर और अदर इमरजेंट नीड्स के लिए भी इसको उपयोग किया जा सकता है. राइट, बट दिस स्कीम हैव सम लिमिटेशंस टू. अब इस स्कीम की कुछ लिमिटेशंस भी है जो आप यहाँ पर बता सकते हो. ठीक है, जैसे कि कैश ट्रांसफर इन दिस स्कीम कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड फॉर सब्सिडीज एंड अदर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम सच एज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ठीक है, इसके अंतर्गत जो कैश ट्रांसफर है वो बेसिकली सब्सिडीज को सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता, मतलब वो सब्सिडीज के मुकाबले बहुत कम है. और अदर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, राशन शॉप्स हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग भी उससे कम्पीट नहीं कर सकता ये. राइट, इनफैक्ट कैश ट्रांसफर इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नीडेड इन एग्रीकल्चर. ये केवल कैश ट्रांसफर ही जो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो कि एग्रीकल्चर में नीडेड है उसको सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता. तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं इस स्कीम की जो आप यहाँ पर बता सकते हो. राइट फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आई होप फ्रेंड्स आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा कैसे इस टॉपिक को आप एक्सप्लेन करोगे. राइट, आगे बढ़ते हैं कंक्लूजन की ओर. Around 12 crore farmer, small and marginal farmer families are getting the benefits from this scheme. आप ये भी बता सकते हो अराउंड जो 12 करोड़ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स फैमिलीज जो हैं वो इस स्कीम के अंतर्गत बेनिफिट उठा रही हैं. PM किसान स्कीम also supplementing the financial needs of the farmers in procuring various input to ensure proper crop health and appropriate yields. ठीक है, यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो कि पीएम किसान स्कीम के द्वारा जो फाइनेंशियल नीड्स है फार्मर्स की उनको भी सप्लीमेंट किया जा रहा है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि प्रॉपर क्रॉप हेल्थ हो सके और अप्रोप्रिएट यील्ड भी हो सके बेसिकली, इसलिए इनको फाइनेंशियल नीड्स फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है. राइट, दिस स्कीम वुड पेव द वे फॉर द फार्मर्स टू अर्न एंड लिव अ रिस्पेक्टेबल लिविंग एंड इट डेफिनेटली इंक्रीज द इनकम एंड सपोर्ट एट द टाइम ऑफ अर्जेंट नीड्स. ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कंक्लूड करते हुए ये स्कीम जो है फार्मर्स के लिए एक तरह से बेटर वे है, एक तरह से एक तैयार करेगी रास्ता, एक वे तैयार करेगी जिसके द्वारा वे अपनी लाइफ को रिस्पेक्टेबल तरीके से जी सकेंगे और लिविंग भी उनको अच्छे से हो पाएगी और इससे उनकी इनकम जो है वो भी बढ़ेगी और अर्जेंट नीड के टाइम पर उनको एक तरह से सपोर्ट भी मिल सकेगा. राइट, तो इस तरह से इस टॉपिक को आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो, लिख सकते हो बेटर तरीके से. राइट, तो आई होप गाइस आप सभी को ये टॉपिक समझ आया होगा अच्छे से, कैसे लिखना है, बेस्ट तरीका क्या है इसको लिखने का, ये भी क्लियर. राइट फ्रेंड्स, इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करिएगा. इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना जिस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, आप सारे टॉपिक्स को तैयार कर पाओ. राइट फ्रेंड्स, और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको जस्ट सर्च करना है स्टडी ग्रुप पाठशाला टेलीग्राम पर, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है, बाकी कमेंट सेक्शन में भी आपको पिन कर दूंगा लिंक, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो. वहाँ पर आपको सारी क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएंगी और नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी. राइट, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं और स्पेशल क्लास को वॉच कर सकते हैं जो कि पूरी तरह से फ्री होती हैं.
क्लासेस जो होती है वो 11:30 से मॉर्निंग में होती है, और इसमें हम लोग जीके जीएस करा रहे हैं। जीके जीएस आपकी क्लास होती है जिसमें एमसीक्यू के थ्रू हम लोग यहाँ पर सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो आप इनको ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। जीके जीएस के लिए स्पेशली इन क्लासेस को आप वॉच कर सकते हो अनअकैडमी पर, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं। और आप अगर नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।